हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये इसका 11वां वीडियो है, जिसमें कि मैं अगले 10 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो वो सभी विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को ट्यून कर लें और सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि वो सारे वीडियो जो कि मध्य प्रदेश जीके से जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री और अन्य टॉपिक पर हैं, उन सभी वीडियो को, उन सभी क्वेश्चंस को मैं अपने इस सीरीज के माध्यम से लेके आऊंगा। तो आप लगातार मेरे इन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है, क्वेश्चन अगर आपको पसंद आते हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में, जिसमें कि आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। रेफरल कोड लगाएं जिससे कि आपको कंप्लीट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि नीचे हरदयाल पुष्पा जो रेफरल कोड लगा हुआ है उसको आपको यूज करना, यू विल गेट 10% इंस्टेंट ऑफ द एडमिशन फीस। अनअकैडमी में फ्री में आपको लिमिटेड कंटेंट मिलता है, वहीं पे आपको प्लस में कंप्लीट सिलेबस मिलता है, जिसमें कि आप कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी और 2000 से अधिक क्वेश्चंस यहां पे आप कवर करते हैं। अनअकैडमी में पढ़ने के फायदे, यहां पर आप किसी भी समय कहीं पे भी रहकर लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग सेशन से स्टडी कर सकते हैं और बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज, एकेडमिक कैलेंडर में पूरा प्रिपरेशन, अनलिमिटेड क्विज होस्ट कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहां पे आपको मिलते हैं। बेनिफिट ऑफ द सब्सक्रिप्शन, लर्न फ्रॉम फेवरेट टीचर लाइव क्लास, स्ट्रक्चर लर्निंग, डिफरेंट बैच कोर्स, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव क्लास में इंटरेक्शन, पोल, कमेंट्स, क्विज के द्वारा एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस सभी कैटेगरी का, और वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फ्री मॉक टेस्ट पर, जो कि हर संडे मिलता है आपको सुबह 10 बजे और रात में 8 बजे, जिसमें कि 50% और 25% की स्कॉलरशिप यहां पर प्रोवाइड की जाती है। अनअकैडमी पर डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि हर रात में 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की प्रोवाइड की जाती है। एमपीजी के ब्रह्मास्त्र, जिसमें कि वीकली रिवीजन टेस्ट आपको मिलता है, जो कि हर थर्सडे आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आपको हर रोज मिलता है रात में 7 बजे, जिसमें कि आप मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो बैच कोर्स अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं उसको समझ लेते हैं। 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के आंसर राइटिंग के साथ में हिंदी मीडियम के लिए 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसमें आप प्लस में सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में ही एक्सेस कर पाएंगे। रेफरल कोड लगाएं हरदयाल पुष्पा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस की यूजर्स आप बन पाएंगे। एमपी हाई कोर्ट स्टोनोग्राफर Grade 2-3 एंड असिस्टेंट Grade 3 बैच कोर्स, जो कि 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है प्लस में, और इसमें आप रेफरल कोड लगाकर 10% का डिस्काउंट पाएंगे। रेफरल कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगला 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी 2022 के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अक्टूबर के सारे बैच आपको एक्सेस करने को मिलेंगे प्लस के सब्सक्रिप्शन में। नवंबर के भी सारे बैचेस आपको प्लस में एक्सेस करने को मिलेंगे, जो भी अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं और जो होने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन का प्लान अनअकैडमी पर डिफरेंट है, जो कि 1 महीने से लेकर 24 महीने तक है, तो किसी एक प्लान को आपको सेलेक्ट करते हुए रेफरल कोड अप्लाई कीजिए, मेरा हरदयाल पुष्पा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस की यूजर्स बनके आप कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पर कर पाएंगे। अनअकैडमी पर वर्चुअल के मैगजीन, जो कि प्लस में ही अवेलेबल है, जिसमें कि आप लास्ट 15 डेज के करंट अफेयर्स कवर कर पाएंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें एमपीपीएससी और व्यापम के सभी एग्जाम्स के लिए और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरा रेफरल कोड लगाना ना भूलिएगा, जो कि हरदयाल पुष्पा है, जिससे कि आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा और प्लस की यूजर्स बनके आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया मध्य प्रदेश इतिहास से। पुरापाषाण कालीन निम्न स्थलों में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से है? अग्नि, कुंडाला, लुनार या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही विकल्प है वो डी विकल्प सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ऊपर दिए हुए सारे विकल्प इसके सही है, अग्नि से भी है, कुंडला से भी है और लुनार से भी है। ये सारे के सारे साक्ष्य पुरापाषाण कालीन है और ये समस्त साक्ष्य आपको जो दक्षिण प्रादीपी नदी, जो कि मध्य प्रदेश में बहती है, जैसे कि चंबल नदी हो गई, चंबल है, बेतवा है, नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी, इसके किनारे तट पर आपको यहाँ पर ये साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर ये इस तरीके से यहाँ पर सही है, जो कि पुरापाषाणकालीन साक्ष्य यहाँ पर इसके संबंधित में यहाँ पर पाए गए हैं।
अगला सेकंड क्वेश्चन आ गया मध्य प्रदेश इतिहास से। मध्य पाषाण कालीन आदमगढ़ शिलाश्रय की खोजकर्ता कौन है? बीबी मिश्रा, बीबी लाल, आरबी जोशी या फिर एचडी सांकलिया। तो इसका सही विकल्प होगा आरबी जोशी के द्वारा मध्य पाषाण कालीन आदमगढ़ शिलाश्रय खोजी गई थी, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम। ध्यान रखिएगा नर्मदापुरम जिला, जो कि पूर्व में इसको होशंगाबाद के नाम से जानते थे, उसमें ये स्थित है। यहाँ पे की ये आदमगढ़ शिलाश्रय खुली गई, यहाँ पे की मानव कंकाल के साथ में पशुओं के भी कंकाल मिलने के साक्ष्य पाए गए हैं। और यहाँ पर इससे जानकारी मिलती है कि मध्य पाषाण काल में मानव, उस समय के मानव पशुओं को भी साथ में रखते थे, जिसमें कि कुत्ते के कंकाल हैं, ठीक है ना, कुत्ते के कंकाल यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ साथ जो मध्य पाषाण कालीन की जो खोज है वो आरबी जोशी के द्वारा यहाँ पर ये की गई थी, क्योंकि होशंगाबाद में, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला प्रश्न आ गया प्रश्न नंबर 3। एरन सागर का संबंध किस काल से है? मध्य पाषाण काल, महापाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर पुरा पाषाण काल। तो इसका सही विकल्प है नव पाषाण काल से संबंधित है एरन सागर का, और यहाँ पर 510 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 510 ईस्वी में भानुगुप्त, भानुगुप्त के द्वारा, भानुगुप्त का यहाँ पर युद्ध हुआ था, युद्ध के दौरान एक उनकी जो मंत्री थी उनकी मौत हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी भानुगुप्त 510 ईस्वी में, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और उनका जो, उनके जो मंत्री थे वो थे गोपराज, गोपराज की मृत्यु हुई थी, उसके तत्पश्चात उसकी पत्नी, पत्नी ने यहाँ पर सती हुई थी, उसके साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए जो कि एरन सागर में, जो कि नव पाषाण काल के। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, मध्य प्रदेश इतिहास का। मध्य प्रदेश के किस जिले में लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जबलपुर, बालाघाट, मुरैना या फिर सागर। तो इसका सही विकल्प सी है मुरैना, यहाँ पे की लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि मुरैना के आजू बाजू का जो क्षेत्र है, जो जिले हैं, जैसे कि शिवपुरी हो गया, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, यहाँ पे भी लोह युगीन संस्कृति के ये साक्ष्य प्राप्त हुए, जो कि लगभग 1000 ईसा पूर्व दक्षिण भारत की, इसमें दक्षिण भारत की कला संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मध्य प्रदेश के किस जिले में महापाषाण स्मारक पाए गए हैं? सिवनी, रीवा या फिर दोनों या फिर बालाघाट। तो इसका सही विकल्प होगा सी, सिवनी, बालाघाट में ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत की जो लोह युगीन संस्कृति है उसके साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, जो कि स्मारक में उस तरीके की जो कला है जो कि दक्षिण भारत में पाई गई थी वही कला का नमूना यहाँ पर प्राप्त हुआ, जो कि महापाषाण काल के ये स्मारक प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। महाभारत में वर्णित करूस देश का संबंध वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस जिले से है? इंदौर, रीवा, भोपाल या फिर मंडला। तो इसका सही विकल्प है रीवा, रीवा जो कि बघेलखंड, ध्यान रखिएगा बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर ये करूस देश, जो कि राजा करूस रहे थे उस समय, उनके नाम से ये स्थापित हुआ था, जो कि राजा मनु के पुत्र थे, राजा मनु के पुत्र थे, उन्होंने इस करूस देश की स्थापना बघेलखंड के रीवा क्षेत्र में की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ताम्रपाषाण संस्कृति का से संबंधित जो कायथा है उसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल, आरबी जोशी, वीएस वाकड़कर या फिर अरुण सोनकलिया। तो इसका सही विकल्प है वीएस वाकड़कर जी ने इसकी खोज की थी, और ये की थी 1957 और 58 में। और ये कायथा कहां पर है? ये वर्तमान में उज्जैन जो जिला है उसके पास में काली सिंध, ध्यान रखिएगा काली सिंध के समीप है, और ये ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एचडी सांकलिया, ध्यान रखिएगा एचडी सांकलिया, सांकलिया जी ने भी खोज की थी, जो कि कहां पर? नाबदा टोली, नागदा, ठीक है ना, और अन्य जगह पर जो खोज की गई थी वो एचडी सांकलिया के द्वारा की गई थी, और वो भी ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए। जो नाबदा टोली कहां पर है? खरगोन में स्थित है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले में।
अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 8वां, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का प्राचीन नाम क्या था? तुंडीकर, मांधाता, अनूप या फिर त्रिपुरी? तो इसका सही विकल्प है मांधाता, जो कि सबसे प्राचीनतम नाम है। महाजनपद, ध्यान रखिएगा महाजनपद काल का है ये नाम मांधाता, जो कि महाजनपद काल में जो अश्मक के राजा थे, राजा कौन, राजा राम के वंशज, ठीक है ना, इक्ष्वाकु वंश, ध्यान रखिएगा क्या बोल बता रहा हूं मैं, इक्ष्वाकु वंश के राजा, राजा मुचुकुंद, मुचुकुंद ने इस नगरी को बसाया बताया था, क्योंकि राजा मुचुकुंद के पिता का नाम था मांधाता, और ये खंडवा जिले में इस प्राचीन शहर को यहाँ पर बसाया था। और इनका जो साम्राज्य था, जो राजा मुचुकुंद का था, वो महाजन का जनपद काल में अस्मक था, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, महाराष्ट्र के नीचे सतपुड़ा की जो श्रेणी है उसके नीचे में जो महाजनपद काल था वो था अस्मक, वहां पर इनका साम्राज्य था, और ये उत्तर भारत से ही ये यहाँ पर आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य कालीन सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बृहद्रथ? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, तो इसका सही विकल्प है सम्राट अशोक के द्वारा 3rd century में, ध्यान रखिएगा 3rd century BC में, BC में इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक के द्वारा, और ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है जो कि सांची में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी जनरल टेलर के द्वारा, कब की थी ये, हुई थी 1818 में, सॉरी 1818 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, 1818 में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 10वां प्रश्न, और जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जिसमें कि पूछा है राजा बनने से पूर्व अशोक किस प्रांत का राज्यपाल था? अवंती, निमाड़, सांची या फिर विदिशा? तो इसका जो सही विकल्प है वो है अवंती, अवंती का ये राज्यपाल था, और अवंती का राज्यपाल इनके पिता जो कि बिंदुसार थे, ध्यान रखिएगा बिंदुसार, उन्होंने अशोक को कहाँ भेजा था, तक्षशिला, तक्षशिला भेजा था, और तक्षशिला में इसने वहां पर जो विद्रोह हुआ था उसका दमन किया था, यानी कि उसको दबाया था, उसको कुचला था। देन उसके बाद में बिंदुसार ने खुश होकर, ठीक है ना, अशोक को जो कि बिंदुसार का पुत्र था, अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया था। तो ये थे 10 प्रश्न जो कि मैं आपके सामने लेके आया मध्य प्रदेश इतिहास से जुड़े हुए। वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को इसी तरीके के मध्य प्रदेश जीके के प्रश्न देखने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर पाएंगे जो कि आप अपने एग्जाम्स के लिए अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।